स्कूल मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय आमेटा और आज हम ऐसी शख्सियत से आपसे मिलाएंगे जिसमें पत्रकारिता के रूप में काम कर रहे हैं, जिनका नाम है सौरभ पाराशर। गोगुंदा में पत्रकारिता के रूप में वर्क कर रहे हैं और अपन उनसे चर्चा करेंगे कि वो स्कूल के बारे में उनकी क्या सोच है। जैसे पत्रकार अधिकतर स्कूल के बारे में कुछ लिखते हैं, नेगेटिव भी लिखते हैं, पॉजिटिव भी लिखते हैं। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। तो सौरभ जी, आपका स्वागत है। तो सौरभ जी, हम आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही करेंगे कि आपके हिसाब से प्राइवेट स्कूल क्या है? प्राइवेट स्कूल कैसी संस्था है जो बेहतर शिक्षा देने का कार्य करती है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट करती है। तो अच्छा माहौल क्रिएट करती है, आपका यह कहना है। तो सरकारी स्कूल इसमें नहीं करते हैं अच्छा माहौल क्रिएट? सरकारी स्कूल भी अपनी जगह अपना अच्छा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक निजी जो स्कूल्स हैं वो अपन ये मान के चलते हैं कि उसमें अभिभावक पैसा देता है, तो वो और भी उससे उच्च क्वालिटी की जो शिक्षा है वो देने का बच्चों को प्रयास करते हैं। अच्छा, तो पैसा देने से बात रही, तो आपका विचार है कि अपन देखते हैं कि जैसे बड़े स्कूल है, तो बड़े स्कूल में क्या होता है कि फीस समथिंग 1 लाख से ऊपर भी होती है। तो आप खुद भी देख लें कि लोगों का बजट बिगड़ जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में उतनी होती नहीं है। तो आपका क्या मानना है कि फीस निर्धारण कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ताकि क्या है कि जो निजी स्कूल्स हैं वो एक कैटेगरी में रहें। अब इसमें क्या होता है कि कुछ स्कूल्स अपने अकॉर्डिंग फीस तय कर लेते हैं, तो वो एक जब थोड़ा सा उनका नाम हो जाता है, एक ब्रांड बन जाती है, तो वो मनचाही फीस वसूलते हैं और उससे फिर अभिभावकों को वगैरह नुकसान होता है, इसलिए एक कैटेगरी तय करनी चाहिए। तो कैटेगरी में अभी गवर्नमेंट ने कर भी लिया है फीस अधिनियम करके, पर उतना सही लागू नहीं हुआ है, क्योंकि आरटी की तरफ फ्री बच्चे भी पढ़ते हैं। तो उनका सही टाइम पे प्राइवेट स्कूलों का मानना है, क्योंकि हमारे अधिकतर दर्शक प्राइवेट स्कूल के ही जुड़े हुए हैं, उनका सही टाइम पे पैसा नहीं आता है। तो आप ऐसा आपने न्यूज़ में क्यों नहीं डालते हो कि उनका कोई या तो आप उनके कहते हो कि फीस तो ज़्यादा लेते हैं और उनका गवर्नमेंट पैसा टाइम पे नहीं दे रहे, तो आप किस में क्या हैं? दो बातें, शहरी क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उनके टाइमली फीस भी आ जाती है, क्योंकि वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं वो शिक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो उनको लगता है कि जितनी अच्छी ब्रांड होगी, जितनी अच्छी स्कूल्स होगी, उसमें ज़्यादा अच्छी शिक्षा है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जितनी अच्छी ब्रांड या जितना अच्छा आपको माहौल मिले या डेकोरेटम मिले, उसी के अनुसार उसमें पढ़ाई भी हो। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि शिक्षा को सेकेंड प्रायोरिटी माना जाता है, तो इस वजह से क्या है कि निजी स्कूलों को फीस रिकवरी में थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि वो पहले उनके जो निजी काम होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करके अपना कार्य करते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी समस्या। तो मेरी एक अनुरोध है आपसे, तो कि आप ये ऐसा भी छापे कि आईटी जैसे भुगतान नहीं होता है टाइम पे, एक साल का जैसे पेरेंट्स फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आईटी में और स्कूल वाले कुछ नहीं लेते उनका, तो आप ऐसा भी कुछ छापे अपने अखबार या अपने न्यूज़ चैनल पर दे कि उनका पैसा टाइम पर आ जाए। तो आप ये प्राइवेट स्कूल वाले आपको भी ये करेंगे कि नहीं यार, उन्होंने कुछ अच्छा छापा है, और ये वास्तविक स्थिति है। खुद जानते हैं कि उनका आईटीओ पे सही पेमेंट नहीं आता, एक साल का पेमेंट दूसरे साल आता है, तो फिर वो भी आर्थिक स्थिति पे कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है, जो एक सिस्टम है बना रखा है उसको प्रोसेस और उसको फॉलो करके जो भी नियम होगा उसके अकॉर्डिंग आता होगा, तो इसमें तो कोई ऐसा इश्यू है नहीं कि छापने से और उससे कुछ होगा, जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, चलो मान लेते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन और आता है कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में आपके हिसाब से क्या डिफरेंट है, कि प्राइवेट स्कूल का स्तर अच्छा होता है अपन मानते हैं कि नहीं? जैसे गवर्नमेंट स्कूल का भी अच्छा होता है ऐसा नहीं कह सकते अपन, पर प्राइवेट स्कूल का स्तर गवर्नमेंट स्कूल से बनिस्पत ज़्यादा अच्छा होता है एक शिक्षा के क्षेत्र में। स्कूल एक शिक्षा ही देता है, दोनों स्कूल शिक्षा ही देते हैं, तो क्या अंतर है आपके हिसाब से निजी स्कूल और सरकारी स्कूल, निजी स्कूल और प्राइवेट? देखो, अंतर में क्या, दिखावे में मैं ज़्यादा अंतर के दिखावे के अंतर में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। मेरा मानना ये है कि जहाँ अच्छी शिक्षा मिले वो अच्छा है, चाहे भले वो निजी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल। जैसे अपन चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में भी अच्छी शिक्षा मिले, तो ऐसा होती है, कई स्कूल्स ऐसे मैंने देखे हैं, मैंने कई बार स्टोरियाँ भी की है कि जो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह आपको अट्रैक्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल, और कई जगह ऐसा भी देखा है कि प्राइवेट स्कूल के नाम पे
जैसे चला रखा है कि प्राइवेट स्कूल, लेकिन वहाँ का अंदर का मैनेजमेंट जाके आप देखोगे या फिर उसको देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि कोई, जैसे कि लैंग्वेज से लेके ले लो आप या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चीज है। तो मेरा मानना ये है कि जहाँ अच्छी शिक्षा है वो ज़्यादा बेहतर, चाहे सरकारी स्कूल, शिक्षा पे महत्व होना चाहिए। ये बात तो सही है आपकी, शिक्षा पे महत्व होना चाहिए। और अपन गोगुना की बात कर लेते हैं, गोगुना में समथिंग 40 से 45 प्राइवेट स्कूल है और मेन गोगुना में 3-4 स्कूल गवर्नमेंट के हैं। आपके हिसाब से क्या रहता है कि उनका शिक्षा का स्तर गोगुंदा में ज़्यादा रहता है निजी स्कूलों का या सरकारी स्कूलों का? स्तर मैं फिर वहीं लेके जाऊंगा बात को कि जब बच्चों की जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, उनका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक चाहे भले वो उनको आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ या सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, उनका आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। जब तक उनको बिल्कुल नींव बेसिक, जो जैसे कि ए फॉर एप्पल है, जब वो बच्चे को आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, जब तक उसको ABCD नहीं आएगी तो वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा। जैसे उसको ऐसे अनार हिंदी में तो नहीं वर्णमाला नहीं पढ़ेगा, तब तक वो हिंदी नहीं पढ़ पाएगा। तो एक्चुअली स्थिति ये है कि जो भी सिस्टम है उनको बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे वैसे ही पढ़ाई में अच्छा होगा। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, माहौल बन रहा है आपको, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो अपन उसको प्राइवेट स्कूल, ठीक है, इस तरह शिक्षा अपना मेन मतलब शिक्षा होना चाहिए, कहीं पे भी बच्चों को मिलेगा शिक्षा होना चाहिए। तो ग्रामीण स्कूल और ये शहरी स्कूल में अंतर क्यों रहता है? तो शहरी स्कूल वाले बहुत अच्छे विकसित हो जाते हैं और ग्रामीण स्कूल वाले जिनका आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, जैसे वो लोन पे लेके बिल्डिंग बनाते हैं, गाड़ी लाते हैं, सब उनका स्टाफ का खर्चा भी नहीं निकलता, तो ऐसा क्यों, क्या कारण आ रहा है कि ग्रामीण स्कूल के, ग्रामीण में स्कूल इतने विकसित नहीं हो पाते और शहर में भले 1 लाख से 1.5 लाख फीस होगी तो भी पेरेंट्स दे देंगे, उसमें कोई नहीं होगी? तो आपके हिसाब से इसको कैसे ग्रामीण के स्कूलों को विकसित किया जाए? टीचिंग समस्या है, टीचिंग मैनेजमेंट होता है, क्योंकि अपने यहाँ शहर में शिक्षा का माहौल कम है, इस वजह से जो टीचर्स हैं वो परफेक्ट नहीं मिल पाते हैं अपने, तो इस वजह से भी कहीं कहीं फिर बच्चों का उतना अपन एजुकेशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं उनके अंदर जो होनी चाहिए। और सिटी में ये है कि पेरेंट्स भी एक्टिव रहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट भी एक्टिव रहता है, उनकी सारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं शिक्षा से अकॉर्डिंग उनके, जैसे आजकल डिजिटल एजुकेशन ये थोड़ा सा क्या है कि उससे माहौल चेंज होगा। और गांव में वही बात रही कि थोड़ा आर्थिक पिछड़ापन भी है लोगों में, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि ज़्यादा फीस देके, तो जहाँ कहीं है थोड़ी बहुत फीस देके कोशिश करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में भेज के अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। सही बात है, प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहिए। ये हमारा स्कूल, ये चैनल बनाने का मकसद यही था कि प्राइवेट स्कूल के बारे में लोग जाने और एक नेगेटिव छवि से पॉजिटिव छवि में भी आए, क्योंकि बहुत से नेगेटिव छवि में आ जाते हैं, वो तो लूटते हैं। तो आपका क्या कहना है, वाकई में प्राइवेट स्कूल वाले लूटते हैं या ऐसा कुछ नहीं है? लूटने की बात तो कैसे करें, लेकिन एक हाँ फीस का जो क्राइटेरिया रहता है कि वो इस वजह से थोड़ा सा डगमगा जाता है कि लोग जैसे ही थोड़ा सा ब्रांड बनना स्टार्ट होता है अपना स्कूल और फिर मनचाही फीस वसूलना शुरू कर देते हैं, तो उसमें फिर पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा जोर आता है ये, तो इस वजह से एक हिसाब से आजकल क्या प्राइवेट स्कूल थोड़ा बिजनेस भी बन गया है कि जैसे ही बस प्राइवेट स्कूल लगा लो और बस आप बहुत पैसे वाले बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको एजुकेशन दो और एक अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर आप फीस इंक्रीज करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ना कि डायरेक्ट आप दुगुनी चौगुनी फीस बढ़ा के, ये थोड़ा गलत है। इस मामले में मेरी एक राय है कि जैसे आप सुविधाएं बढ़ाते हैं, जैसे आपके स्कूल में सुविधाएं बढ़ गई है, जैसे आपने फर्नीचर लगा दिया, AC लगवा दी, तो आप उसका उसके हिसाब से आप फीस बढ़ा सकते हो, क्योंकि उसका भी तो खर्चा लगा ही है। जैसे आपने सब बच्चों के लिए फर्नीचर लगवा दिया, आपका उसका 85% तक आपने जो खर्चा किया उसका 15% आप बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और महंगाई सूचना के हिसाब से आप 10% फीस वृद्धि करें तो उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि महंगाई भी आप आज के ज़माने जान रहे हो कि वृद्धि होती है। देखो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कह रहे हो कि जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ा दी, AC लगा दिया, वो लगा दिया, लेकिन रिक्वायरमेंट कहाँ रिक्वायरमेंट है? आज ग्रामीण क्षेत्रों में आप अगर अपना मेन जो मोटो होना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा, कि आपको उनको प्राइवेट स्कूलों में क्यों बुला रहे हो कि आप उनको बेहतर शिक्षा दे सको,
तो वो क्या एसी में बैठने नहीं आते? जब ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो घर पे पंखा भी अफोर्ड नहीं कर पाए ना, आप अगर उनको एसी वाले रूम में बिठा रहे हो तो वो उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पेरेंट्स हैं उनका जो आर्थिक स्तर है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो सौरभ जी के हिसाब से आर्थिक स्तर देख के आप अपना फीस निर्धारण करें। चर्चा की सौरभ जी से स्कूल के बारे में, कुछ जानकारी आपको भी मिली होगी, कुछ जानकारी मुझे भी मिली है और कुछ जानकारी सौरभ जी को भी मिली होगी। जी बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम को अपन यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एक ऐसे अधिकारी से मिलेंगे